Good morning, students. Now we are going to start with exercise 8.1 from unit 8, quadrilateral. Before we start the exercise 8.1, I want to give you some introduction about the quadrilateral. First of all, you have to know कि what is a quadrilateral. सबसे पहले आपको क्या जानना है, what is quadrilateral, quadrilateral क्या है, ठीक है? बता सकते हैं कि what is quadrilateral, quadrilateral क्या है? A closed figure bounded by four line segments. वो ये फिगर है, अगर इसमें फोर लाइन से क्लोज फिगर ना है तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. अंडरस्टैंड? अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यू सी इन योर एटमॉस्फेयर एज फर्स्ट वन रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स होते हैं तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल. तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट. अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, स्क्वायर. स्क्वायर किसको कहते हैं, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर. थर्ड वन इज गिवन हियर, रोम्बस. रोम्बस रोम्बस is a closed figure. Rhombus is a closed figure of four line segments in which all the sides are equal. इसमें क्या होता है, rhombus में इसकी भी all sides equal होती है और square की भी all sides equal होती है. तो can you tell me what is the difference between the square and rhombus? You have to know. स्क्वायर मेक्स ईच एंगल हैज इक्वल टू 90 डिग्री. स्क्वायर क्या करता है, किसका ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जबकि रूमर्स की जो होती है ये लेस देन 90 डिग्री होते हैं. ये क्या होते हैं, इसके ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं. ये दोनों का डिफरेंस. दूसरी भी इसमें लिखी तो ऑल द स्क्वायर स्क्वायर सी इज कॉल्ड रोम्बस. यानी जो भी स्क्वायर होंगे वे सभी रोम्बस कहला सकते हैं, बट ऑफ द रोम्बस इज नॉट कॉल्ड द स्क्वायर. लेकिन हम इसकी फोर साइड इक्वल होती है, इसकी पैरेलल साइड होती है, इसकी भी पैरेलल साइड इक्वल होती है, इसकी भी पैरेलल साइड क्या होती है, इक्वल होती है. वी कैन से दैट ऑल द रोम्बस इज कॉल्ड ऑल द स्क्वायर इज कॉल्ड रोम्बस, बट रोम्बस इज नॉट कॉल्ड अ स्क्वायर. नेक्स्ट देखेंगे नंबर फोर, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इज अ काइंड ऑफ रोम्बस इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इन विच क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं एंड ईच एंगल has less than 90 degree. देखिए रोम्बस में का सेम और पैरेललोग्राम का सेम सीन होता है. रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की जो है अपोजिट साइड्स जो होती है वह पैरेलल. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फाइव. तो ये वो फर्स्ट वन हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम. और एक लास्ट होता है इसका जो है
Trevisan. Trevisan. Trevisan क्या होता है? Trevisan is also a close figure of bounded by four lines segment in which one pair of the trevisan is parallel to each other and second one is not parallel. ये क्या होते हैं? ये दो इसकी एक साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और दूसरी साइड इसकी जो होती है वो पैरेलल नहीं होती है. लास्ट है सिक्स काइट. सिक्स क्या होता है? काइट. काइट भी देखे होंगे आपको पतंग इस तरह की शेप का होता है. तो ये भी आपका क्लोज फिगर होता है bounded by four line segments in which opposite sides are equal. इसकी opposite sides होती है वो equal होती है. This type of figure is called a kite. यानी what do you know? What is a quadrilateral? A closed figure bounded by four line segments is called a quadrilateral. There are six types of quadrilateral. First one is given rectangle. Here the definition of rectangle: a closed figure bounded by four line segments in which opposite sides are equal and each angle is equal to 90. Second one is square. The square is a closed figure bounded by four line segments in which all the sides are equal and each angle has 90. Third one is rhombus. Rhombus is also a closed figure bounded by four line segments in which all the sides are equal and each angle has less than 90 degree. Parallelogram. Parallelogram, a closed figure bounded by four line segments in which opposite sides are parallel and each angle has less than 90 degree. Trevisan. Trevisan is also called a quadrilateral bounded by four line segments in which one pair of side is parallel and second one is non parallel. And six, kite से figure is called a kite. इस तरह से आपका there are six types of a quadrilateral. You also know that all the quadrilateral has four angles and all the angles, the sum of all the angles is equal to 360. ये जितने भी quadrilateral हैं ये सभी की four angles बनाते हैं और four angles का sum जो है 360 होता है. तो according to the rules and regulation of the quadrilateral we have to solve the question number 1 from exercise 8.1. Here question number 1. First question is given here. The angles of a quadrilateral. Question 1. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. The let ABCD is a quadrilateral. ABCD क्या है? ये quadrilateral है. तो इसके angles का ratio क्या होगा? Angle A ratio angle B ratio angle C ratio angle D. ये दिया हुआ है 3:5:9:30. You know that first of all you have to find here the sum of the angles
आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे कि द सम ऑफ द रेशियोज, इसी रेशियोज का सम कितना है। The sum of the ratios is equal to होगा 3 plus 5 plus 9 plus 13. 9, 3, 12, 12 and 5, 17, 17 and 3, 20 and 10, 13. We will get 13. You know that? No? कि all the angles, all the four angles of a quadrilateral is 360 degree. तो also A, ratio B, ratio C, ratio D, ये सभी मिलकर भी कितने होंगे 360 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल इज 3 पार्ट ऑफ 3 बाय 30, 5 बाय 30, 9 बाय 30 एंड 30 बाय 30 ऑफ द 360 डिग्री। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो कि एंगल A रेशियो है एंगल B, रेशियो एंगल C, रेशियो एंगल डी इज ओवर 360। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ना व्हाई यू कम द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360। इस रूल से हमने इसको डायरेक्ट कर दिया कि 360 हो जाएंगे। तो एंगल ए अब फाइंड करेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू पार्ट इसका कितना है 330। ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 30 ऑफ 360। 0 0 कैसे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो 12 3 जा हो जाएगा 36। इन दिस वे वी कैन फाइंड एंगल बी इज इक्वल टू 5 बाय 30 इनटू 360। 30 12 जा होगा 12 5 जा 60। एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 9 बाय 30 और 360। सभी 360 की पार्ट है ये 12 12 9 जा 108 and angle D is equal to आप कह सकते हो 13 by 30 into 360। 13 12 हो गया 12 3 जा 36 and 12 1 जा 12 by 3 156। एक तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के लिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेकेंड कैसे करते हैं। ये तो आपका दिया हुआ रेशियोज है ना, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी, ए 3 रेशियो 5 रेशियो ए दिया। आप इसी को सेकेंड मेथड से आप करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। जब भी एंगल्स जो थे रेशियोज में दिए गए रहते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सेकेंड मेथड। क्वेश्चन बताओ, सेकेंड मेथड ये होता है कि हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक्स। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 9x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 13x। यू नो दैट ऑल द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x is equal to 1360। तो ये आपका 30 है ना, ये जाएगा 30x is equal to 360। So x is equal to होगा 360 by 30। 30 बन जाता 30, 32 जा 60।
एक्स इज इक्वल टू हो गया 12। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, 3x है तो 3 इनटू द वैल्यू ऑफ x 12 12 3 36। एंगल बी इज इक्वल टू 5x 5 इनटू द वैल्यू ऑफ x 12 12 5 16। एंगल सी इज इक्वल टू 9x is equal to 9 into 12 is equal to 180. And angle D is equal to 13x is equal to 13 into 12. 12 3 is 36. 12 is 12 and 3 is 156. And question number 1 is solved by the first method and second method. You had to choose which method jo hai do you like, you have to do any jo hai method you can solve this question. Okay, to aapko questions kya hai aapko homework mein karna hai, definition of quadrilateral, ये आपको लर्न करना है और राइट भी करनी है. सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. व्हिच आर दे, इसको डिफाइन करना. The two questions we have to tell you. Next sums will be sent in next videos. Thank you, students. Thank you.